अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज मैं मेरी ऑटो से ड्राइव करके गडकरी दरगाह आया हूँ। तो मैं आज गडकरी दरगाह का विज़िट कर रहा हूँ, तो मैं आपको भी यहाँ की ज़्यारत कराता हूँ गडकरी दरगाह की। तो वीडियो में बने रहो और प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलो। ये देखिए गडकरी दरगाह का एंट्री गेट है, बड़ा यहाँ से एंट्री बंद कर दी गई है, थोड़ा आगे से राइट टर्न पर एंट्री रखिए, चलो अंदर विज़िट करते हैं। ये गडकरी दरगाह का वज़ू खाना है जो बनाया गया है, इसके आपको राइट साइड में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये घर बना हुआ है, इसमें खादिम जो दरगाह की हिफाजत करते हैं यहाँ पे रहते हुए उनका घर है। और ये राइट साइड में उन्होंने कुछ बकरियों के पालना स्टार्ट किया है। ये मैं आपको दरगाह का वीडियो बता रहा हूँ, ये आपको बस ऊपर ही ऊपर बता रहा हूँ मैं बाहर साइड से। इसके बाद मैं अपने वीडियो में कंटिन्यू बने रहा, मैं आपको अंदर विजिट करके मेन दरगाह जो वहाँ पर पंजतन पाक की जो कुछ मज़ार बनाई वो और उसके अंदरूनी उस साइड जो कुछ दरगाह है वो मैं बताता हूँ। चलो दोस्तों ये देखिए ये हमने स्टार्ट कर दिया है, जो मेन दरगाह है ना उसके आजू बाजू का जो माहौल है जो एरिया मैं आपको कवर करके बता रहा हूँ। इस साइड भी हम जाएंगे पर थोड़ा रुक के अभी हम स्टार्ट करते हैं जो मेन दरगाह के आजू बाजू का जो हिस्सा है वो दिखाना। उसके बाद अभी गेट देख सकते हम इसके अंदर जाएंगे उस साइड से, फिर वो मज़ार आपको मैं अंदर से प्रॉपरली बताऊँगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ सब चटाई कालीन रखी गई है। अब यहाँ से हम थोड़ा और आगे निकलते हैं, ये देखिए ये मेन गेट है और ये मेन दरगाह की। ये देखो दोस्तों मैं अब इंटर कर दिया हूँ दरगाह के अंदर, सबसे मेन मज़ार है उस साइड में, आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ। ये देखिए पूरा गोल्ड डायरेस है तो बनाया गया है यहाँ पे, और ये सबसे मेन मज़ार है दरगाह की गडकरी दरगाह की। तो मैं आपको यहाँ का वीडियो देखो कवर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मेरे व्लॉग चैनल के ज़रिए। मैं आपको भी यहाँ से लेके चलूँगा जो पंजतन पाक का जो सा कुछ बनाया गया है दरगाह वहाँ। ये देखो यहाँ पे पंजतन पाक का जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक रोज़ा बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये मैं आपको हाईलाइट करके ले रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको जूम करके बताऊँगा ये मज़ार का। ये देख सकते हैं आप, ये देखो अब मैंने इसे जूम करके नज़दीक से ले लिया है। ये देख सकते हैं जो उन्होंने पंजतन पाक जैसा यहाँ पर एक रोज़ा बनाया है गडकरी दरगाह में, ये मेन दरगाह के जस्ट लेफ्ट साइड में, ये गडकरी दरगाह की जो मेन मज़ार है उसके जस्ट लेफ्ट साइड में ही। ये देखो दोस्तों मैंने एकदम क्लियरली आगे से जूम करके और नज़दीक जाके लिया है ताकि क्लियरली प्रॉपरली दिखे। ये देखिए आप, अब मैं ये दिखा के आपको इसके बैक साइड लेके चलो मैं दरगाह के बैक साइड जा रहा हूँ जहाँ कुछ और मज़ारे हैं। ये देख सकते हैं आप नंबर वन, उसका जो नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, ये बैक साइड है जो बहुत ज़्यादातर लोग बैक साइड आते नहीं है, आगे से ही देख उख के चले जाते हैं। पर मैं बैक साइड भी आया हूँ, इधर भी कुछ बैक साइड में भी कुछ मज़ार है वो दिखाने के लिए अपने व्लॉग चैनल के ज़रिए। बैक साइड में जो सबसे बड़ी मैंने यहाँ पर मज़ार बनाई जगह वो ये है, बैक साइड में सबसे बड़ी मज़ार यही है। बाकी और बैक साइड में आप जो भी मज़ार देख रहे होंगे मेरे वीडियो में सब ज़्यादा बड़ी नहीं, सब छोटी छोटी मज़ार है। ये देखिए आप चार मज़ार तो मुझे इधर ही देख रही है, बड़ी मज़ार को लेके हो रही पांच, और बाकी इस साइड आप देख सकते हैं दोस्तों। बाकी हमें ध्यान रखना चाहिए कि औरतों को मज़ारों से दूर रखो, जो आके देखो इधर कुछ गलत चीज़ें करती है, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। ये आप एक लेडीज़ को औरत को देख सकते किस तरह दीवार को चूम के दुआ मांग रही है, क्या कर रही है, अल्लाह हिदायत दे। और ये देखो दोस्तों ये कदम मज़ारों पे ताला बांध देना, धागा बांध देना, ये सब एकदम गलत काम है, ये सब मत करो। वहाँ जाओ ज़ियारत करो, उनके लिए दुआ करो, अल्लाह से मांगो उनके ज़रिए, ये सब फालतूगिरी बन। चलो मैंने दरगाह में पूरा विज़िट कर लिया और आप लोगों को बता दिया। अब मैं दरगाह की मैंने कुछ क्लिप बनाया हूँ हाईलाइट करके, तो वीडियो में आपको व्लॉग चैनल के ज़रिए दिखाता हूँ हाईलाइट करके तो मैंने बनाया यहाँ का। मैंने वो पंजतन पाक के साइड का दिखाया आपको, जो मेन दरगाह का जो मेन मज़ार है उस साइड का मैंने एक ऊपर के साइड से दिखा रहा हूँ मैं आपको बाहर साइड से कि कैसा दिखता है, कैसा बना हुआ है, ये सब पूरा सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कंटिन्यू देखते रहो आप, और प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करो। और दरगाह पे जाओ तो अपने ईमान की हिफाजत करो, वहाँ जाके उनके ज़रिए दुआ करो, उनके लिए दुआ करो, ये नहीं कि वहाँ जाके हम वहाँ पर जाके सजदा करें या डायरेक्ट उनसे ही मांगे, तो ये सब बिदत कामों से बचो। अल्लाह आपको मुझे बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब ये देख सकते हैं आप इस साइड का हिस्सा,
ये सब बनाया वीडियो मैंने, आप तो देखो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करो और अल्लाह के वास्ते नमाज के पाबंद बनो, नमाज कभी मत छोड़ो, 5 वक्त की नमाज पूरी पढ़ो। आप दरगाह पे जा भी रहे हो तो जाओ, बट उधर जाके बिदत अमल से बचो, वहाँ जाके उनसे दुआ मांगना सब ये सब मत करो, दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगो, उनके ज़रिए मांग लो। ये जो कि दरगाह के बाहर की आप दुकान देख सकते हैं, माशाल्लाह उन्होंने सब अतर उतर रखा हुआ है, सब दीन के हिसाब के जो फ्रेम होते हैं माशाल्लाह सब ला के रखा।